11 जिलों के कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व ग्राम एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव टोले एवं बसावट को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। और इस इलाकों में जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उन्हें 3,500 के दर से विशेष सहायता देने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अल्प वर्षापात होने की स्थिति में निर्णय लिया गया है। नमस्कार, NBC24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सुखाग्रस्त बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बिहार में हैं, जिसको लेकर कल बिहार कैबिनेट में एक मुद्दा पास हुआ, जिसमें बता दें आपको कि 11 ज़िले जो है वो कहीं ना कहीं चयनित किए गए, जिसमें देखा जाए तो 3,500 रुपए जो है वो करीब 7,841 गाँव में दिए जाएंगे जो सुखाग्रस्त से पीड़ित है, जिसको लेकर बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी। वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से सुखाग्रस्त जो ज़िले हैं उसको बिहार सरकार जो है सहायता करेगी। बता दें आपको कि करीब 3,500 रुपए जो है वो बिहार सरकार सहायता करेगी। बिहार कैबिनेट में जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो पास हुआ, जिस तरीके से बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव जो हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने यह जानकारी दी। वहीं क्या कुछ कह रहे देखे इस वीडियो में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो वर्ष 2022 में जो राज्य में अनियमित वर्षापात के कारण जो उत्पन्न गंभीर स्थिति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गांव एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, राजस्व गांव, सभी गांव और बसावट और टोलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं पुनः पढ़ देता हूं, 11 जिलों के कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व ग्राम एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव टोले एवं बसावट को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। और इस इलाकों में जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उन्हें 3,500 के दर से विशेष सहायता देने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अल्प वर्षापात होने की स्थिति में निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में जो भुगतान करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 500 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो एक और जहां पर राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इन इलाकों को घोषित किया, वहां 3,500 रुपए प्रति परिवार देने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए 500 करोड़ राज्य सरकार ने जो बिहार कंटिजेंसी फंड है, निधि है, उससे अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी है। परिवार की संख्या नहीं है, जितने भी गांव इस इन सभी गांव में 7,841 गांव के जो भी गांव हैं, टोले हैं, बसावट हैं, उनमें जितने भी परिवार आएंगे उन सबका सर्वेक्षण करके सभी को भुगतान 3,500 के दर से दिया जाएगा। इसमें खर्च तो एक बार सर्वे होगा, उसके बाद अनुमानित है करीब 450 इसलिए 500 करोड़ का आपका जो बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम भी लिया गया है। अभी सर्वे होगा, मतलब परिवार अभी तो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं प्रखंड प्रखंड में, पंचायत पंचायत के गांव, अब हर टोला, हर बसावट और हर गांव का सर्वेक्षण होगा, परिवारों की लिस्ट बनेगी और उनको भुगतान होगा। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण और निर्णय लिया गया है, साथ ही साथ जो फसल क्षति हुई है विभिन्न जिलों में, जो एक्सेस रेनफॉल, जो अतिवृष्टि के कारण, जो वर्षापात के कारण जो क्षति हुई है उनके, और वहाँ पे जहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बाढ़ के कारण लगाए गए फसलों का नुकसान जो हुआ है, उनका भी मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि उनका भी सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के उपरांत प्रभावित किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
तो उसमें दो निर्णय हैं, जहां एक और सुखाड़ के मद्देनज़र सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है, वहीं जो बाढ़ के कारण जहां पे फसल बर्बाद हुई है उसका भी सर्वेक्षण कराया जाए और उसमें भी कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बाढ़ वाला अब इसी कैबिनेट नोट का कंडिका में है, अंदर है, मैंने इसी कैबिनेट को, कंडिका है, कंडिका 5 में, वो शायद संभवतः टाइटल में नहीं है, तो इसी का पार्ट है, हाँ इसी का एजेंडा नंबर 18 का पार्ट है, ठीक है। और 17 नंबर है आपका आकस्मिकता निधि से 500 करोड़, सब तय हुआ है, आपको बता देंगे, कहीं मतलब पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपको विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी, विभाग अभी सर्वेक्षण शुरू करेगा तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरे 937 पंचायतों का, ये प्रकाशित होगी। तो आपने सुना, एस सिद्धार्थ हैं, बिहार सरकार के तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो दिया जाएगा मुआवजा, वहीं तमाम लोग जिस तरीके से सुखाग्रस्त ज़िले से आते हैं, 11 ज़िले करीब जो है चयनित किए गए हैं, जिसमें देखा जाए तो 3500 रुपये जो है तमाम लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें 7841 गाँव को चयनित किया गया है, जिसमें 7841 गाँव में जिन जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों को बिहार सरकार की तरफ से जो है सहायता किया जाएगा, करीब 3500 रुपये दिए जाएंगे। बता दें आपको कि सुखाड़ जो है कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अनेक जगहों पर है, जिससे बिहार सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमाम जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं लेने के बाद 3500 रुपये जो देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से जो है 3500 रुपये दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।